द इंचांटेड पूल। अब हम इंचांटेड पूल, जो सी राजगोपालचारी के द्वारा लिखा गया है, इससे पूछे जाने वाले परीक्षा में प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वाई वॉज युधिष्ठिर एंग्शियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों के लिए चिंतित क्यों थे? युधिष्ठिर के भाइयों को पानी की खोज में गए हुए बहुत देर हो गई थी, यह युधिष्ठिर की चिंता का कारण था। युधिष्ठिर वॉज एन एंग्शियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर्स बिकॉज इट हैड बीन सो लॉन्ग दे वर आउट इन सर्च ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर टू, युधिष्ठिर ने किस प्रकार अपने भाइयों के लिए शोक व्यक्त किया? इलाबोरेट द वे, वर्णन कीजिए। इलाबोरेट द वे युधिष्ठिर एक्सप्रेस हिज मॉर्निंग टू हिज ब्रदर्स। अपने भाइयों को मृत देखकर युधिष्ठिर शोक मनाने लगे। वे जोर से चिल्लाए और विलाप करने लगे। आफ्टर फाइंडिंग हिज ब्रदर लेइंग डेड, युधिष्ठिर स्टार्टेड मॉर्निंग फॉर देम। ही क्राइड लाउडली एंड वेप्ट मॉर्न फुल्ली। वाई डिड ऑल ऑफ युधिष्ठिर ब्रदर्स डाई, युधिष्ठिर के सभी भाइयों की मृत्यु क्यों हुई? युधिष्ठिर के सभी भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने यज की चेतावनी को अनसुना करके सरोवर का जल पीने की कोशिश की, इसलिए यज ने उन्हें मार दिया। ऑल ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज दे इग्नोर द वार्निंग ऑफ यज एंड ट्राई टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द पूल, सो यज किल्ड देम ऑल। युधिष्ठिर ने उस अदृश्य आवाज को क्या समझा? वॉट डिड युधिष्ठिर कंप्रिहेंड अबाउट द बॉडीलेस वॉइस? अदृश्य आवाज को सुनने के बाद युधिष्ठिर समझ गए कि यह आवाज साधारण नहीं बल्कि दैवी है, शायद यह यक्ष है। ऑन हियरिंग द बॉडीलेस वॉइस युधिष्ठिर अंडरस्टूड दैट दिस वॉज नो ऑर्डिनरी वॉइस बट द वॉइस ऑफ सम गॉडली फिगर, इट मे बी यक्ष। साहस खतरे में मनुष्य की सहायता कैसे करता है? हाउ डज करेज हेल्प मैन इन डेंजर? साहस मनुष्य को खतरे से बचाता है क्योंकि यह मनुष्य को समस्या से निपटने में सहायता करता है। करेज रेस्क्यू मैन इन डेंजर बिकॉज इट हेल्प्स मैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। What do you know about Nakul as depicted in the story Enchanted Pool? The Enchanted Pool में वर्णित नकुल के विषय में आप क्या जानते हैं? युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए चुना। वह युधिष्ठिर के पिता की दूसरी पत्नी माद्री का पुत्र था। वह श्यामवर कमल जैसे नेत्रों वाला, चौड़े सीने वाला तथा लंबी भुजाओं वाला था। युधिष्ठिर चूज नकुल टू बी एलीव। ही वॉज द सन ऑफ माद्री, सेकेंड वाइफ ऑफ युधिष्ठिर फादर। ही वॉज डिपिक्टेड एज ए क्लाउड कंप्लेक्शन, लोटस आई, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्मेड। हाउ कैन वी हैप्पी, हम किस प्रकार प्रसन्न रह सकते हैं? युधिष्ठिर के अनुसार कोई व्यक्ति तभी प्रसन्न रह सकता है यदि उसका आचरण अच्छा है, और वह धनवान तभी बन सकता है जब वो लालच को त्याग दे। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर A man can be happy if his conduct is good and he can be rich if he gives up being greedy. धर्म हमारे लिए क्या करता है? What does धर्म do to us? धर्म का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हमारा आचरण धर्म की देन है। यह हमें नैतिक बल देता है। इस जीवन में एवं मृत्यु के बाद भी धर्म ही हमारे साथ रहता है। हमारी एकांकी यात्रा में केवल धर्म ही हमारा साथ देता है। धर्म प्लेज एन इंसेंशियल रोल इन आवर लाइफ एज आवर कंडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ धर्म। इट गिव्स अस मोरल सपोर्ट एंड रिमेन्स विथ अस इन दिस लाइफ एंड आफ्टर डेथ टू, बिकॉज इन आवर सोलिटरी जर्नी टू द अदर वर्ल्ड ओनली धर्म अकंपनीज अस। Describe the greatest wonder in the world. संसार की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात का वर्णन कीजिए। प्रतिदिन इंसान दूसरों को मरते हुए देखता है, इसके बावजूद वे सदैव जीवित रहने की लालसा रखते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Every day people see others dying, yet those who are alive want to live forever. This is the greatest wonder in this world. When does a solitary journey start? What accompanies during this journey? एकांकी यात्रा कब शुरू होती है? उस यात्रा में सहभागी कौन होता है? जब कोई व्यक्ति मृत होता है,
जब कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसकी एकांकी यात्रा शुरू होती है। इस एकांकी यात्रा के दौरान केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। अ सोलिटरी जर्नी स्टार्ट्स व्हेन ए पर्सन डाइज। ड्यूरिंग दिस सोलिटरी जर्नी ओनली धर्म अकंपनीज ए मैन। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लेस द यक्ष मोस्ट। युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्नता दी। युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष की सबसे अधिक प्रसन्नता दी क्योंकि उन्होंने भीम या अर्जुन के स्थान पर नकुल को जीवन दान के लिए चुना। द इम्पोर्टेंट इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष द मोस्ट एज क्योंकि ही चूज नकुल इंस्टीड ऑफ भीम और अर्जुन टू बी एलीव। व्हाट ग्रेंट डिड द यक्ष आफ्टर टू युधिष्ठिर। यक्ष ने युधिष्ठिर को कौन सी इच्छा पूरी करने की सहमति दी। यक्ष ने उसको अपने किसी एक भाई का जीवन दोबारा प्रदान करने की अनुमति दी। युधिष्ठिर ने न्याय की मांग के अनुसार अपने भाई नकुल को जीवित करने के लिए कहा। युधिष्ठिर की धर्म प्रियता के कारण यक्ष उससे प्रसन्न हो गया और उसके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। आफ्टर बींग प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर द यक्ष ऑफर्ड हिम टू आस्क फॉर द लाइफ ऑफ एनी ऑफ हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर चूज नकुल एज पर डिमांड ऑफ जस्टिस। दिस मेड द यक्ष प्लीज्ड बाय हिज लव फॉर जस्टिस सो यक्ष ग्रांट हिम द लिप्स ऑफ ऑल हिज फोर ब्रदर्स। सबको जीवित कर दिया। हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव। नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। नकुल एंड सहदेव वर माद्रीशन। व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन आर द क्वालिटीज विच ए मैन मस्ट है। इस पाठ के अनुसार एक व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लेसन अ मैन मस्ट बी लर्नेड कर्जियस ड्यूटीफुल फ्री फ्रॉम एंगर एंड प्राइड एंड मस्ट हैव गुड कंडक्ट। इस पाठ के अनुसार एक व्यक्ति को विद्वान साहसी कर्तव्य परायण क्रोध एवं अभिमान से मुक्त होना चाहिए तथा उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। हु वाज यक्ष। व्हाई डिड ही आस्क क्वेश्चन टू युधिष्ठिर। यक्ष कौन था। उसने युधिष्ठिर से प्रश्न क्यों पूछे। यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। ही आस्क क्वेश्चन टू युधिष्ठिर टू टेस्ट हिज इंटेलिजेंस विजडम एंड लव फॉर जस्टिस। यक्ष मृत्यु के देवता यम थे। उन्होंने युधिष्ठिर से उनकी बुद्धिमता ज्ञान एवं न्यायप्रता को परखने के लिए प्रश्न पूछे। व्हाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट द विजडम ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को देखने तथा उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। Who embraced Yudhishthira and blessed him and why? किसने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया और क्यों। यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ हु वाज इन द फॉर्म ऑफ द यक्ष embraced युधिष्ठिर एंड blessed him बिकॉज यमराज वाज प्लीज्ड विथ हिज इंटेलिजेंस सेंस ऑफ जस्टिस एंड इंस्पार्शियलिटी। मृत्यु के देवता यमराज ने जो कि यक्ष के रूप में थे युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया क्योंकि यमराज युधिष्ठिर की योग्यता न्याय एवं निष्पक्षता से प्रसन्न थे। इतने प्रश्न जो आप हाई स्कूल के प्रथम चैप्टर से लिए गए हैं अगर इनका अध्ययन कर ले दो तीन बार यह वीडियो देख ले तो आपका फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं बिल्कुल तैयार हो जाएंगे।